हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इसरा बुटीक। मैं आपको आज बताऊंगा स्लीव्स की कटिंग, ठीक है। आस्तीन काटना मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्लीव्स काटने के लिए हमें कैंची होना है, टेप, चॉक और ये स्केल्स होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए ये जो है पेपर है, आप कपड़े के ऊपर काटिए या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप जो है इसको पेपर के ऊपर ही काटिए। ओके, नहीं तो आप कपड़े के ऊपर कटिंग करिए। ये जो पेपर है इसको अपन क्या करेंगे, चार हिस्सों में फोल्ड कर देंगे। देखिए ये पेपर है, इसको अपन क्या करेंगे, ये मैंने डबल फोल्ड करा। देखिए ये सिंगल पेपर है, इसको मैं डबल फोल्ड करूँगा। ओके, फिर इसको मैं और एक बीच में से इसको पर ऐसा फोल्ड कर दूंगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको और ऐसा फोल्ड करेंगे, इसको चार हिस्सों में फोल्ड कर दीजिए। ये पेपर को चार हिस्सों में फोल्ड कर दीजिए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ओके, कपड़े को आप जो है चार हिस्सों में फोल्ड करिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधी पहले एक लाइन मारेंगे, सीधी आप पहले एक लाइन मार देंगे, जिससे क्या होगा हमारा कपड़ा जो आगे पीछे रहेगा ये सीधा हो जाएगा। ओके, अपन एल्बो स्लीव्स कट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, एल्बो स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पे हम टेप को रखेंगे और यहाँ से जो है एल्बो की जो लेंथ है वो है 10 इंच है, ठीक है। कितनी है, 10 इंच एल्बो की लेंथ है, तो हम क्या करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 10 इंच एल्बो की लेंथ है और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो आएगा 11.5। ओके, 11.5 पे एक निशान लगाएंगे और ये लाइन को सीधा करेंगे। देखिए ये लाइन को सीधा कर दिया हमें। ओके, एक मिनट मैं इस स्केच पेन बढ़ा लेता हूँ। ये पहले अपन ये लाइन मार लेंगे, ये आपको मैं दिखाने के लिए मार रहा हूँ लाइन, ठीक है। देखिए, ओके, उसके बाद में ये हमने 11.5 पे निशान लगाया, 11.5 पे एक निशान मार दिया, ठीक है। देखिए आस्तीन की लेंथ अपनी जितनी भी रही उससे अपने को 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ओके, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। तो अपना स्लीव्स बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ये निशान पे टेप को रख के 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है। कितने पे लगाएंगे, 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और ये निशान को सीधा कर देना है। देखिए ये निशान को सीधा कर दिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, 40 का चेस्ट है, ठीक है, 40 का चेस्ट है, तो क्या करना, 40 का चेस्ट है तो अपन इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा, तो हमें 8 इंच पे एक निशान लगा देना है। बहुत आसान तरीका है, 8 इंच पे एक निशान लगा देना है और मार्जिन के लिए और 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, ठीक है। आस्तीन की जो मोहरी है यानी आस्तीन की लूजिंग है वो रखेंगे हम 6 इंच या फिर 5 इंच एंड ऑफ, तो 5 इंच एंड ऑफ पे एक निशान लगा देना है, ठीक है, और 1.5 इंच पे और एक निशान लगाना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले निशान को इससे मिलाना है, तो इसके लिए हम ये वाली यूज करेंगे। देखिए ये स्केल को यहाँ पे रखिए और इसको इससे जॉइंट कर दीजिए, ठीक है, और फिर ये निशान को ये निशान से जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है, ठीक है, 2 इंच पे निशान लगा के एक शेप दे देना, ठीक है, ऐसा राउंड एक शेप दे देना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम कट करेंगे और ये स्लीव्स अपना कट गया। देखिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ, देखिए ये स्लीव्स कट गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कच का मानो,
ठीक है, यहाँ पे कचका मार देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी कचका मारेंगे, ये सेंटर का कचका है हमारे। ओके, देखिए उसके बाद क्या करना है हमें, इसको ऐसा खोलना है स्लिप्स को, ठीक है, और इसको भी ऐसा खोलना है, खोल के इसके ऊपर इसको ऐसा बिछा देना है। देखिए इसको इसके ऊपर ऐसा बिछा देना है। ओके, अब क्या करना है हमें, अंदर की तरफ डाउन करना है, जो हमारा फ्रंट का जो हिस्सा रहता अरमोल का, वो अंदर की तरफ डाउन रहता, मिला देना है। ओके, उसके बाद में यहाँ से हम कर, ये अरमोल कर गया। ओके, अब इसको ऐसा कर, ये स्लीव अपना कर गया, ठीक है, ये एल्बो है, और यहाँ पे हम इसकी लूजिंग लिख देंगे, तो इसकी लूजिंग है 11 इंच। ओके, पूरी राउंड में जो लूजिंग है वो है 11 इंच। स्लीव्स काटने का सही तरीका है ये, ठीक है। देखिए अब ये स्लीव्स कट गया, ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है, फ्रंट की तरफ ये अटैच होंगे और बैक की तरफ ये अटैच होंगे, ठीक है। एक बार मैं ऐसा करके बता देता हूँ, देखिए स्लिप्स ऐसा कट करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई भी कटिंग या स्टिचिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे को नीचे कमेंट करिए, और वीडियो को मेरे लाइक करें, शेयर करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसरा बुटीक स्पेशलाइज्ड इन एनी टाइप ऑफ ड्रेस स्टिच पिक एंड डिलीवरी सर्विस अवेलेबल ओनली इन हैदराबाद। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप मोबाइल।